नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों आज हम हथेली के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनके होने से जातक के जीवन में प्रतिदिन बदलाव हो सकते हैं, साथ ही जीवन में धन का आगमन हो सकता है या भाग्य में वृद्धि हो सकती है या कुछ योग आपके हाथों में दिखाने वाले हैं। दोस्तों यदि आपके हाथ में तराजू का चिन्ह बना हुआ है तो यह अति विशेषकारी होता है। यह चिन्ह महालक्ष्मी योग बनाते हैं। जिस जातक के यह हथेली में चिन्ह पाया जाता है उसका भाग्य उसका साथ देता है, हमेशा महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती उस जातक पर। और दोस्तों दूसरा चिन्ह यह है कि अगर जीवन रेखा भाग्य रेखा से दूर होती है तो ऐसे व्यक्ति काफी भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति का धन का आगमन होता रहता है। वे शून्य से शुरुआत करते हैं, अपार संपदा के मालिक होते हैं, गुणवान होते हैं, प्रतिष्ठावान होते हैं। और दोस्तों जिस जातक के हथेली पे शुक्र पर्वत पर कमल का चिन्ह होता है, ऐसे लोगों पे माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे जातक न सिर्फ धनवान होते हैं बल्कि इनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी भाग्यशाली हो जाता है। और दोस्तों चौथा योग है हथेली में बुध, सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, गुरु पर्वत अगर ऊंचे हो तो ऐसे जातक राज लक्ष्मी योग का निर्माण करते हैं। ऐसे व्यक्ति की आय लाखों करोड़ों में होती है, साथ ही इनका कारोबार का भी विस्तार होता रहता है। ऐसे व्यक्ति के साथ माँ लक्ष्मी हमेशा कृपा बनाई रहती हैं। और दोस्तों पांचवा योग यह है कि बुध, शनि पर्वत अगर ऊंचा हो तो इनके बीच में जो रेखा है अगर वो गोल है तो ऐसे व्यक्ति धन संपदा को अर्जित करते हैं। धनवान व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं और खूब धन अर्जित करते हैं और इनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। छठा योग यह है कि अगर भाग्य रेखा आकर सूर्य रेखा पर रुक जाए तो ऐसे जातक के हाथ में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। ऐसे लोगों को राजयोग सुख मिलता है और भौतिक सुख सुविधा की कमी नहीं होती कभी। और ऐसे व्यक्ति अपने परिवार की हर जरूरतें पूरी करते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं। यह योग पर्वत सुफुलित होने के लिए हाथ में अन्य पर्वत उंगलियां का विशेषकारी होता है, तभी विशेष फल देता है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। महादेव।